कल दिल्ली में 45 पॉजिटिव केसेस आए थे, जो कि पिछले लगभग सवा साल में सबसे कम है। पॉजिटिविटी 0.1% से थोड़ा कम चल रही है अभी, और एक्टिव केस जो है दिल्ली में 693 अभी बचे हैं। तो फिर भी मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि ध्यान रखें, मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, एक बड़ी लड़ाई जो है वो वैक्सीन के जरिए लड़ी जा रही है, लेकिन वैक्सीन की स्थिति जो है वो दिल्ली में इस वक्त बुरे हाल में है। वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए हुए हैं, क्या पूरी वजह है अभी तक क्या? उसका कारण है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है। कल थोड़ी सी वैक्सीन आई है जो कि आज तक चलेगी, 1.5 लाख के करीब आई है, तो वैक्सीन की कमी है। अच्छा, कल शाम को वैक्सीन आई है? कल रात को आई है। अच्छा, कौन सी सर? कोविशील्ड आई है 1.5 लाख के करीब, पर वो आज ही चलेगी, कल से फिर सेंटर बंद है। अब 1.5 लाख के करीब है, 1,68,000 हमारे पास एग्जैक्टली। कितने दिन तक चल सकती है? कल, आज कल, बस आज, कल आधा दिन। और ये भी दिखा कि करीब 590 सेंटर 2 दिन में बंद हो गए वैक्सीन की कमी। बता रहा हूँ, वैक्सीन की कमी की वजह से बंद हो रहे हैं। वैक्सीन जैसे ही मिलेगी हम लगा देंगे। हमने पहले कहा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है 3 लाख 4 लाख भी रोज लगा सकते हैं। सर, लेकिन केंद्र से क्या बात हो रही है इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि वैक्सीन, क्योंकि आप लोगों का टारगेट ये था कि 3 महीने में पूरा कर लिया जाए, वैक्सीन अगर उपलब्ध कराया जाए। केंद्र का भी कहना है कि खूब लगाइए। हाँ, नहीं, हम तो खूब लगाने को तैयार हैं, मिल जाए तो। हमें तो जब भी मिल रही, आप देख रहे हैं, बार बार बंद करना पड़ रहा है। हम हरियाणा के सिस्टम पर तो चल नहीं सकते कि बचा के रख लो। हम तो अगर जैसे ही मिल रही है, हम तुरंत लोगों को लगा। सर, जिस तरह से तीसरी वेव की आशंका है, कई राज्यों में केसेस बढ़ने लगे, आपको लगता है कि खतरनाक हो सकता है? सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए इसीलिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। जैसे ही हमें वैक्सीन मिलेगी, हम जल्द से जल्द लोगों को लगा। सर, IMA ने कहा है कि तीसरी वेव को रोका ही नहीं जा सकता। देखिएगा, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा, पर मेरा ये कहना है कि हाँ, रोका जा सकता है अगर लोग नियमों का पालन करें। अभी देखो, कई लोगों को ऐसा लगना, पिछली बार भी क्या हुआ था, जनवरी फरवरी में केसेस बहुत कम हो गए थे, तो लोगों को लगा कि भाई अब तो ख़त्म है। तो हमें लथार्जिक नहीं होना चाहिए, मानना नहीं चाहिए कि केस ख़त्म हो गए। अभी बीमारी चला, दोबारा से आ सकता है। जब तक सोसाइटी के अंदर वायरस मौजूद है, ये फैल सकता है। तो उसको बचाने का तरीका एक ही है, मास्क। अगर घर से बाहर निकले, किसी से मिले, तो मास्क जरूर। सर, आप जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, पानी की अभी क्या स्थिति है? पानी की, हरियाणा ने पानी की, दिल्ली में जो यमुना में पानी आता है, काफ़ी कम आ रहा है, और उसकी वजह से दिल्ली में बहुत दिक्कत है। पिछले 60-70 साल में सबसे कम लेवल है यमुना का। सर, इसको लेकर अभी आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी हम सुप्रीम कोर्ट से क्या बातचीत चल रही है? अभी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी जितना पानी देना है उतना तो देना। अब अगर दिल्ली के अंदर 120 MGD पानी कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। सर, हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार का मिसमैनेजमेंट है कि ये वाटर क्राइसिस उनके। देखिए, पानी आप देंगे नहीं तो मैनेज कैसे कर लेंगे आप? तो फिर वो ऑक्सीजन वाली बातें कर रहे हैं कि ऑक्सीजन देंगे नहीं, आपने बांटा नहीं। अरे भाई, दे तो दो। अब दिल्ली का जो पानी फिक्स किया हुआ है उतना तो आना चाहिए ना। आप कहते हमने उसमें से 930 MGD दिल्ली डेली सप्लाई कर रहा है, अगर उसमें 120 MGD कम हो जाएगा तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? यूपी के मुख्यमंत्री का कल इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार का बस चलता तो NCR के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते। ऑक्सीजन का भी घोटाला हुआ है, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं कि कोरोना के दौरान जो NCR के लोग हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे। देखिएगा, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, दिल्ली से बाहर की जिस टाइम पीक था तब भी 25% से ज़्यादा पेशेंट दिल्ली से बाहर के थे, और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में सबका फ्री इलाज किया गया। आज भी हमारे पास जो डेली एडमिशन 10-15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, तो उसमें 25-30% बाहर के ही होते हैं। हमने किसी को मना नहीं किया। सर, ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने, ऑक्सीजन का तो मैंने बताया ना, देखो अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, आपको भी पता है, आप भी रोज़ रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत हो गई है, तो आप झूठ थोड़ा बोल रहे थे। आप जाके लाइव कवरेज कर रहे थे, तो जो ऑक्सीजन चाहिए थी हमने मांगी ना, और हम एक बार ही 10 बार मांगे। सर, दिल्ली की पहली बारिश हुई है, दिल्ली में किस तरीके के इंतजाम आपके विभाग के द्वारा किए गए हैं ताकि पानी ना भरे और लोगों को परेशानी ना हो? पहली बात तो अच्छी बात है कि मानसून स्टार्ट हुआ है, ये काफ़ी राहत की बात है। और दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि पानी को रुकने ना दे, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है तो 10-15 दिन में निकाल दिए। कितने पंप सेट्स वगैरह लगाए गए हैं? 1500 की थी। दूसरा सवाल, सर्वे आपने सकता है, उसकी क्या कुछ उसकी तैयारी चल रही है, जल्दी स्टार्ट किया जाएगा।